यो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है इस न्यू वीडियो में। तो भाई आ गया तुम्हारा भाई लेके एक खतरनाक सी वीडियो, जिसमें हम आज फिर से द ट्रायल चैम्बर लिजन खेलने वाले हैं, जिसमें आपके तीसरा पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपने देख रहा था कि भाई ट्रायल चैम्बर में जाके मैंने जो धूम मचाई थी ना ब्रो, वो देख के माइनक्राफ्ट वाले ने बोला भाई ये क्या हो गया। तो भाई आज कुछ तरीके का काम होने वाला है, क्योंकि जो मेरे तीन चार मिशन थे मैंने कंप्लीट कर लिए थे। अभी मेरे पास केवल दो मिशन है जो मेरे को आज कंप्लीट करना है। इसी वीडियो में दोनों को खत्म करूंगा, और सबसे लास्ट वाला जो मिशन है ब्रो उसमें कुछ अलग ही चीजें हैं, तो देखना मत भूलना। अभी तक लाइक नहीं करते कर दो, चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब मारो। और ये रहा अपना सेकंड, ठीक है। तो कॉपर बल्ब बनाने का कुछ अपने पास क्विस्ट है, लेट्स गो, देखते हैं इसमें क्या चीजें हो सकती है क्या नहीं हो सकती, ये भाई देख के पता चलेगा, ठीक है। तो अभी के लिए काम करते हैं, सीधा निकलते हैं इधर। ओके, मैप में दिखा रहा है कि जहां पे मैं खड़ा हूं ना जस्ट मेरे राइट में है, ठीक है। तो एक मिनट मेरे को अब हो चुके यहां पे, लेट्स गो भाई, इसको तो आग लगा दिया, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक डेवलप, अरे कॉपर बल्ब बनाना है क्या मुझे? देखो मेरे को सच बताऊँ ना, अभी तक लिटरली मैं माइनक्राफ्ट के अंदर मुझे कॉपर बल्ब बनाना नहीं आता, लिटरली मेरे को कोई एसपी नहीं पता इसकी। बट ये बोल रहा है कि चारों तरफ बल्ब जो है ख़राब हो गए हैं, और कुछ जगह पे बल्ब लगाने भी हैं, ऐसे लगेगा पीछे रेडस्टोन रहेगा तो ये जलेगा, बट यहाँ पे देख रहे चल भी नहीं रहा भाई, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। और बल्ब लग जाएंगे तो मॉब स्पॉलिंग नहीं होगा भाई, मुझे पता है ये माइनक्राफ्ट का ये रूल मुझे पता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं ब्रो, एक काम करते हैं इसकी हेल्प करना शुरू करते हैं। तो कॉपर बल्ब बनाने की रेसिपी मेरे हाथ में आ चुकी है, मैं काम रहे पे चेस्ट खाली करो भाई, मेरी इन्वेंट्री फुल है ब्रो मजाक से हट के। तो यहाँ पे मेरे को सामान मिल गया है, मैं इससे यूज़ करके ना बल्ब बनाने की रेसिपी लगा सकता हूँ। तो तीन ब्लॉक मेरे को ऊपर ऐसे लगाने हैं परफेक्टली, लेट्स गो। बीच में रॉड लगेगी और सबसे लास्ट में लगेगा रेड स्टोन, ये ही चार बल्ब बन के तैयार ब्रो, मजाक छट गया, काफ़ी काफ़ी इफेक्टिव है, नाइस। मैं तो बनाऊंगा, मजाक नहीं कर रहा, डेंजर वर्स के अंदर लगेंगे, ठीक है। तो ये अपना हो गया, बट ये बोल रहा ना कि आपको इसके वैक्स भी करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि इसमें ऑक्साइड लग जाएगा ब्रो, जंग लग जाएगी इसके अंदर। मतलब मैं क्या बोलूँ ब्रो, कॉपर के अंदर जंग लग रही है, बट ठीक है जो भी है बढ़िया है भाई, मैंने भी इसको कर देता हूँ भाई। देखो अपने पास फ्री का सब कुछ मिल रहा है, तो टेंशन लेने की क्या टेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको वैक्स भी कर दिया, अब ये बोल रहा है कि भाई जगह जगह अब लगा के भी आ भाई, तू क्या तेल लेने के लिए खड़ा गया यहाँ पे, हाँ भाई मारूंगा थप्पड़, लेकिन ठीक है क्विस्ट अपने को मिला पूरा कर लेते हैं, इसी बहाने मुझे बनाना सीख गया तो ठीक है ब्रो, थैंक यू सो मच ब्रो, लेट्स गो। इसको यहाँ पे लगाते हैं, ओ भाई क्या मस्त जल रहा है, 100% ब्रो, डेंजरस एमपी की हर एक गली में आपको ऐसा बल्ब दिखेगा, लिख के ले लो तुम्हारा भाई लगाएगा इसको, ठीक है। इसको भी लगाते हैं यहाँ पे, लास्ट बचा है और लास्ट मेरे को ढूंढना पड़ेगा, लेट्स, रात हो गई कसम से, ढूंढते ढूंढते रात हो गई, बट मुझे अभी तक नहीं मिला। और ये थी मेरे को समझ, जल क्यों नहीं रहे, मुझे लग रहा है यहाँ पे वैक्स नहीं हुआ है, आई थिंक सो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई जिस वजह से जल नहीं रहे। देखते हैं अभी अभी आगे चल के देखते हैं क्या होगा। बाकी मेरे को जगह मिल गई जहाँ मेरे को लास्ट बल्ब लगाना है, तो यहाँ पे परफेक्टली हो गया भाई। देख रहे हो यहाँ पे अंधेरा अंधेरा हो गया, बोल रहा है कि नाउ यू हैव टू वैक द ओल्ड बल्ब, दे विल लाइट अप व्हेन यू वैक द, ओके। मुझे लगा था ब्रो कि पुराने जो नहीं जल रहे ना, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उनके साथ, बट ब्रो यहाँ वैक्स करती है जलने लग गया यार, नाइस। ये कसम से बोल रहा हूँ, ये ऐसे मैप्स जो आते हैं ना ब्रो माइनक्राफ्ट लोग के लिए जो नॉलेज देके जाते हैं ना भाई, मेरे को लिटरली मुझे कभी ना समझ में आता ये चीज़, लेकिन थैंक यू ब्रो ये सब सिखाने के लिए, मुझे मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। टिक्स एंड ट्रायल का जो ये अपडेट आया ना ब्रो, इसको मेरे को मजाक नहीं कर रहा, मुझे मैक्सिमम चीज़ें इसी मैप को खेलने के बाद सीखने को मिली है। और आई नो ब्रो, बताना आपको भी ना ये वीडियोज़ देखने के बाद काफी चीज सीखने को मिलेगा, नहीं मिली हो भाई तब भी लिख देना यार, सब्सक्राइब मार दो, ठीक है भाई। अपना न्यू मेरे को क्वेश्चन मिला है विंड चार बूट कैंप, बूट कैंप से भी आपको पता चल गया होगा क्या ही नेक्स्ट लेवल कांड होने वाले यहाँ पे, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, मेरा लास्ट क्विस्ट है, उसके बाद ये मैप हमारा कंप्लीट हो जाएगा, बट देखते हैं कि क्या चीजें हो सकती क्या नहीं हो सकती। देख क्या कमते यहाँ से आगे निकलते हैं और देखते हैं क्या चीजें प्ले आउट होने वाली, बस मेरे को आगे जाना है, मेरे को रास्ता दिखा रहा है, बट मैंने कुछ अलग ही तरीके का शॉर्टकट ले लिया, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये शॉर्टकट अलाउ तो नहीं होते, बट ठीक है। एक मिनट, ये दादाजी कहाँ, ओ तेरी, ओ भाई 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 भाई, नाइस नाइस, कमांडो आ गया ब्रो, ट्रेनिंग कोर्सेस, ओके, डेयर टू पुट योर स्किल्स टू द टेस्ट। अच्छा ये जो हमारे मतलब है ऑब्स्टिकल्स दे रखे हैं, बोल रहा है कि इससे अपना टेस्ट कर सकते हो भाई, लिटरली काफी खतरनाक दे रखा है, मजाक से हट के बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ कितना खतरनाक तरीके से यहाँ पे बना रखा है, नाइस ब्रो। मुझे लग रहा है सब मुझे पार करने पड़ेंगे, बट ये चीज़ें एक बार देखना पड़ेगा भाई कैसे क्या की हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट ठीक है ऊपर है मेरे को, आई थिंक ना यहाँ से चढ़ के जाना पड़ेगा। तो बस एक काम करते हैं सीधा भाई, नॉर्मल पार्कोर भाई, तुम्हारे भाई के लिए हलवा है ब्रो, क्या बात कर रहे हो, यहाँ से ऊपर, ऊपर से जम 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 जम, लेट्स गो, ठीक है आ गया मैं। बोला यू हैव गिवन सम विंड चार्ज थ्रो वंस एट योर फीट टू हाई जम्प, क्या बात कर रहे हो, ओके। अगर क्या है कि इसमें बोलना है कंप्लीट द डबल जंप यूजिंग द
विंड चार्ज, ओके। मतलब जो मेरे को डबल जंप करनी है और उसके लिए मुझे क्या होगा ना कि जंप करते टाइम नीचे विंड चार्ज अगर मैं दोनों को अलाइनमेंट के साथ फेंकूंगा तो मैं हाई जंप मार सकता हूँ। एक मिनट मुझे ट्राई करना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है? तो ओके, ये बॉय इतनी लंबी है, ओ भाई, ओ भाई 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 भाई, मुझे थोड़ी चीज़ें इनको सीखनी पड़ेंगी क्योंकि ये चीज़ें नहीं है ब्रो। मेरे को लिटरली नहीं पता था कि अगर मैं विंड चार्ज को अपने पैर नीचे ऐसे मारूंगा जंप करते हुए, देखो नॉर्मली मारूंगा तो ऊपर उठूंगा, लेकिन अगर जंप के साथ उसको अलाइन करके सिंक्रोनाइज में मार दूंगा लिटरली मैं डबल जंप ट्रिपल जंप मार सकता हूं। भाई ये नेक्स्ट लेवल, मेरे को नहीं पता था इसके बारे में, मुझे थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। तो फॉलो द ऑक लुक, ठीक है छोड़ो यार ये सब बकवास नहीं करना मुझे, ठीक है? व्हील होल्डिंग द विल चार्ज एम द, ठीक है? तो भाई बोल रहा है ना कि ये जो अपना ऑब्स्टिकल इसको करना है मुझे, ठीक है? तो बस यहां पे इसको कर देता हूं और आपको टाइमर दिख रहा होगा, ये टाइमर इसलिए है क्योंकि लिटरली मैंने ऑब्स्टिकल पार किया, रिकॉर्डिंग करना भूल गया, ठीक है? मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी ट्रेनिंग के चक्कर में, बट भूल गया कि मुझे रिकॉर्डिंग ऑन भी करना है, इस चक्कर में मैंने वापस से मुझे ये सब करना पड़ा और मैं ये करके वापस से आया हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी मैं आगे कब मेरा सब कुछ हो गया तब दिखा देता हूँ। तो सारे ऑब्स्टिकल मैं वापस से करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारे टाइमर चल रहा है, टेंशन मतलब टाइमर का कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक्चुअल में इसमें टाइमर नहीं था, ठीक है? तो बस मुझे यहाँ पर इसको पार करना है, इससे आगे सेम टू सेम जाना आगे, इसके बाद ऐसे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस मुझे प्यारा सा जंप लेना लेना लेना, लेट्स गो, ठीक है हो गया। तो यहाँ पे आने के बाद ब्रो एक ओके, वर्ता 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 वर्ता, अरे भाई 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 कहाँ जाऊँ मैं, ओके लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। तो यहाँ पे आ गए ऑब्स्टिकल से, एक काम करता हूँ यहाँ से सीधा इधर जंप, इधर से सामने जंप, परफेक्टली लेट्स गो भाई। दो डबल डबल जंप ट्रिपल जंप लेते हुए आगे से बढ़ सकते हैं, ठीक है लेट्स गो, ठीक है? यहाँ पे आ गया ऊपर, सेम टू सेम ऊपर, लेट्स गो। और यहाँ के आके आगे आ गया, आगे आने के बाद ब्रो मेरे को यहाँ से सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना है, लेट्स गो भाई, नाइस, ये तो अच्छा हो रहा है। और सीधा, अबे नहीं नीचे नहीं गिरना था, बट डबल जंप लेट्स गो, ठीक है? विंड चार्ज भाई कसम से काफ़ी खतरनाक है और ये लिटरली में मेरे को बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अभी तक मेरे पास बहुत सारी ये विंड रॉड पड़ी थी लेकिन मैं इसका यूज़ नहीं कर रहा था। अब देखो भाई इसका क्या ही यूज़ होता है डेंजर एमपी के अंदर, मजाक नहीं करो, डेंजर वर्स के अंदर खतरनाक यूज़ होगा, टेंशन मतलब। बस अभी क्या करना है मुझे, यहाँ से आगे जाना है, ठीक है? ऑब्स्टिकल्स दिख गए, सीधा जंप लेस को, यहाँ से भी सीधा जंप परफेक्ट, उसके बाद सीधा लेस को, यहाँ से मेरे को सीधा लेके जाना है, एकदम बढ़िया लेस को, बढ़िया, ठीक है? इधर परफेक्ट ब्रो, सेम टू सेम इधर और इधर सर के लिए, भाई कहाँ गया, अरे अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो कि मैं यहाँ पे कीबोर्ड और माउस के साथ खेल रहा हूँ, तो भाई कीबोर्ड माउस के साथ मेरा पार्कोर देख के अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक मार दें क्योंकि मैं मोबाइल का हैंडी प्लेयर हूँ, ठीक है? मेरे को कीबोर्ड माउस का कोई भी नहीं है बट मैं धीरे धीरे चीज़ सीख रहा हूँ क्योंकि मेरे का पीसी आ जाएगा तो मुझे कीबोर्ड माउस से ही खेलना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी से थोड़ी बहुत आदत डाल रहा हूँ। आई नो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा और हो सकता है चीज़ों को मैं उतना अच्छे से ना कर पाऊँ, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट थोड़ा साथ देना, ठीक है? कोई दिक्कत लेने की बात, तो थोड़ा बहुत साथ देना, आपको कुछ नहीं करना, तुम्हारा भाई सब करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, उसके बाद आई थिंक मेरे को नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है ओके लेट्स गो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। परफेक्ट, मेरे को डैमेज नहीं लेना था बट यहाँ से मेरे को ये चारों को चारों तोड़ने पड़ेंगे। आप लोग मेरे हाथ में मेस देख रहे होंगे, थोड़ा कंफ्यूज मत होना क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सब कंप्लीट कर रखा है, उसके बाद आके मैं कर रहा हूँ, तो मुझे मेस मिल गया था। अभी कहाँ आगे मेस मिलेगा मैं आपको दिखा दूंगा, टेंशन मत लो, वहाँ से बाद रिकॉर्डिंग मेरी पूरी है तो वहीं से आपको फुल्ली रिकॉर्डिंग चलेगी, प्री रिकॉर्डिंग वाला अभी ये दोबारा जो चल रहा है वो नहीं चलेगा, बट ठीक है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे आते, यहाँ के आने के बाद सेम टू सेम परफेक्ट ब्रो, लेट्स गो यहाँ से लेट्स गो, भाई कितनी लंबी जंप थी, नाइस, ठीक है? तो सेम टू सेम परफेक्ट, लेट्स गो लेट्स गो, बच गया बच गया, ठीक है एकदम बढ़िया सा, यहां से सीधा जंप एकदम ऊपर नीचे जंप परफेक्ट ब्रो, ठीक है हो गया। Hey, y'all come look at this. और अब यहां से मेरे को नीचे की तरफ जंप, नीचे की तरफ चक, नीचे की तरफ चक, नीचे 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 की तरफ जंप लेना है, लेट्स गो भाई। जैसा कि आप देख रहे हो आई नो कई ट्राई हो गया बट समझा करो यार, अबे नहीं यार रुक जाओ, अबे पर अरे तेरी स्लो फॉलिंग दे दिया भाई, इतनी बार मरा मैं, मैप भी बोला भाई तू निकल जा तू निकल जा भाई, गजब बेइज्जती कर दी मैप ने भी भाई, लेकिन ठीक है कोई नहीं भाई, अगर मैप ने हमको स्लो फॉलिंग दिया है तो हम यूज़ करके यहाँ से निकलेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं ब्रो, ठीक है? तो यहाँ पहुँचते स्लो फॉलिंग हट गए, टेंशन लेने की बात नहीं है, यहाँ से मेरे को आगे का ऑब्स्टिकल्स पार करते हुए निकलना है, तो बस प्यारा सा जंप, एकदम प्यारा सा जंप, ठीक है लेट्स गो। यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ से पानी वाली जंप है, लेट्स गो, बचा के बचा के बचा के बचा के, नहीं यार रुक जा रुक जा, ठीक है मैं प्यार से निकल जाऊँगा, ये तो मेरे लिए मक्खन का है, लेट्स गो, ठीक है ये मक्खन हो गया, सेम टू सेम
सेम इधर, सेम टू सेम इसके ऊपर, और यहाँ से पाप फार, लेट्स गो। ठीक है, बढ़िया तरीके से पार हो गया, टेंशन लेने की बात है नहीं ब्रो। यहाँ से मैं आगे आ चुका हूँ और यहाँ से परफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ से एक ओके ओके ओके, मुझे मैं नीचे जाने वाला था बट मेरे अचानक से मेरे को ये दिख गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया और सेम टू सेम इधर, लेट्स गो। यहाँ से जंप लेते हैं परफेक्टली, और यहाँ से सिर जंप लेते हैं, और प्यारा सा जंप परफेक्ट। ठीक है, लेट्स गो, हो गया कंप्लीट। यहाँ से मेरे को यहाँ से ऊपर जाना, ठीक है, यहाँ से ऊपर, फिर से ऊपर, बढ़िया भाई। मजाक सट के इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा ना, कीबोर्ड माउस के साथ भाई जो एकदम पैनिक वाला माहौल बन रहा ना, एकदम ढांसू ढांसू, मतलब ढांसू वाला। ठीक है, तो यहाँ से बस मेरे को सीधा सीधा एकदम, ठीक है, ऊपर ऊपर, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, सेम टू सेम प्यारी सिस्टम के साथ ऊपर, यहाँ से प्यारी सिस्टम के साथ ऊपर, लेट्स गो भाई। हमारा भाई पार कर गया उसको भी, ठीक है, तो यहाँ से भी सेम टू सेम बढ़िया, और लेट्स गो। और इसके बाद अरे ऊपर भी जाना है, बच गया, लेट गो लेट गो लेट गो लेट गो, लेट्स गो, बाय बाय। हे भाई नाइस, तुम्हारा भाई एकदम पार्कोर गॉड बन गया, मजाक सट के ब्रो। जो मैं पार्कोरिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, ये कहता ही नेक्स्ट लेवल है। और इसी के साथ अपना ये वाला कंप्लीट हो गया था। अब नाउ जो मैं मेरी मतलब पहली रिकॉर्डिंग जब मैं गेम खेल रहा था उस टाइम की रिकॉर्डिंग आ गई, यहाँ पे मेरे को मिल जाता है लिटरली मैं हैवी मेटल एंड ब्लेज रॉड, और क्या बोलते हैं ब्रीज रॉड, उसके साथ मेरा बन जाता है मेज, और मेज के साथ मुझे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करनी थी जिसकी वजह से मेरे को डैमेज ना मिले। ठीक है, तो बोलता है कि डमी के साथ थोड़ी ट्रेनिंग कर लो, तो भाई तुम्हारा भाई परफेक्ट तरीके से जंप मारता है। मेरे पास अभी जंप बूस्ट लगा, इस वजह से कितना फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन इस चीज़ का मेरे को जो यूज़ करना है ब्रो, मैं क्यों सीख रहा हूँ ये सब मैं अभी नहीं बताऊँगा, बस मेरे को ना एक बार घर पहुँचने दो, मतलब लाइव स्ट्रीम मेरी स्टार्ट होने दो, उसका फिर बताता हूँ। शाम को 9 बजे मेरी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होगी ना ब्रो, उसमें देखना कि मैं इसका क्या परफेक्ट यूज़ करता हूँ अपने टीममेट्स के ऊपर। मेरे पास तो भाई बहुत चीज़ें हैं जिनसे मैं बैंड बजाऊंगा इनकी, बट टेंशन ना लो ब्रो। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, बस ये हुई ना शॉट ब्रो। ठीक है, एक काम करता हूँ, रुको रुको, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले अपनी इन्वेंट्री सही कर लेता हूँ, एकदम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ना इसको विंड चार्ज को अपने एकदम बढ़िया से बगल रखते, ठीक है। अब क्या होगा, मेरे को बस स्विफ्ट 4 और 5 को क्लिक करना पड़ेगा, एकदम परफेक्टली बढ़िया। लेट्स गो भाई, क्या डैमेज दिया, सेम टू सेम ऐसे मुझे करना है, एकदम मिस कर गया, बहुत अच्छी लैंप थी, बट ठीक है, एकदम बढ़िया। ओ भाई मिस कर गया यार, ऐसे नहीं, ठीक है, थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को कीबोर्ड माउस की आदत नहीं है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट खतरनाक भाई, कसम से। ठीक है, लेट्स गो, फिर से डेंजर, अब की बात तुझे चूक नहीं करना है, एकदम बढ़िया से लेट्स गो भाई, फाड़ दिया, अब लिटरली फाड़ गया भाई उसकी। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, परफेक्ट सामने जाते और यहाँ से जंप लेके मजाक छट के, नाइस। मेस नहीं है यहाँ में, थोड़ा सा मैं की बैंडिंग मेरी सही नहीं चल रही, बट ठीक है, बढ़िया, जो भी है बहुत प्यारा है, जंप लो। और क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ, बढ़िया। अरे यार की इवेंट्स क्यों नहीं चल रही, नाइस, यही शॉट तो चाहिए था जिंदगी में ब्रो, यही शॉट तो चाहिए था मुझे जिंदगी में। ठीक है, एकदम प्यारा सा जंप, लेट्स गो। ठीक है, सेम सेम, फिर से प्यारा सा जंप, उफ़ा, ये हुई ना बात। लिटरली ब्रो मुझे इस चीज़ को एकदम मास्टर करना है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को इस चीज़ को थोड़ा सा थोड़ा भी नहीं, बहुत अच्छे से मास्टर करना है कि सामने भाई कोई भी आए फाड़ के रख दूँ उसकी, लेट्स गो, मजाक सट के बोलूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत इसको खेलते हैं, उसके बाद बड़ा वाला। ओ भाई तुमको तो मैं याद ही नहीं किया, अरे रुको रुको मैं आता हूँ, टेंशन नहीं लेते, टेंशन भाई आएगा तेरा, तेरी भी बैंड बजाएगा, टेंशन नहीं लेते ब्रो। तो बस मेरे को यहाँ से भी सेम टू सेम हाल करना है, यहाँ पे मारो फाइट चार्ज अपने पैर पे, और धड़ा धड़ा, फिर से धड़ा, अरे यहाँ, अरे भाई ये मेरे ऊपर जो मेरा ये क्या बोलते हैं इसको, ये बंदा कूद रहा ना भाई, इसकी वजह से मेरा एम ज़्यादा चोक हो रहा है, मैं ज़्यादा हाइट पे कूद ही नहीं पा रहा हूँ, पाढ़िया ये हुई ना शॉट, इसी की बात कर रहा था, रुक जाओ अभी यहाँ पे एक आपको मैं टीवी पे दिखाता हूँ, मेरे ऊपर नाच रहा ना भाई, ये मेरी हाइट को ना बढ़ने नहीं देता, ये देखो इस पर फंस गया मैं भाई, ये क्या खतरनाक था। ठीक है ब्रो, यहाँ पे सारी ट्रेनिंग मैं काफ़ी देर तक करता हूँ और रात भी हो जाती है, अब देखो भाई अपनी बराबरी की बारी। ठीक है भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा, मेस लेके चलना है। ठीक है, अब यहाँ से बूम, ये हुई ना शॉट ब्रो। ठीक है, ऐसे मेरे को करना है क्योंकि अगर मैं ऐसे डमी पे शॉट मारूंगा तो मेरे को फाल डैमेज नहीं मिलेगा, फाल डैमेज नहीं मिलेगा देन मेरा काम बढ़िया हो जाएगा, मैं आगे ऑब्स्टिकल से ऐसे पार कर सकता हूँ, फाल डैमेज मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, वो मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ मेरे को मिल गया, आई थिंक मेरे को घूम के जाना पड़ेगा कहाँ से, ओके रहा, तो बेटा लेट्स गो। ठीक है, तो भी को पड़ी बढ़िया, अब एक काम करते हैं, सेम टू सेम मेरे को आगे चलना है, और आई थिंक सो यहाँ से, अब यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा मुझे, कहाँ है भाई, हेलो हेलो, अरे चलो क्रॉस लेके चलते, बढ़िया अभी हो रहा, अभी नहीं, ये रास्ता सही नहीं है आई थिंक, मैं अच्छा ये रहा रास्ता, भाई मैं क्या कर रहा हूँ, रुक जाओ, यहाँ से मेरे को आगे जाना है और यहाँ से जंप करो एकदम बढ़िया से, लेट्स
कोबेन वो भी ये हाहा, ठीक है। तो यहाँ से जंप परफेक्ट, ठीक है, यहाँ से भी जंप लग गई। अब ऐसे सेम सेम रुको, सारे जंप लेके चलना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो बस अभी क्या करते हैं, यहाँ से आगे निकलते, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, जा बढ़िया से, हाँ ठीक है। तो अभी क्या करना है, आगे नीचे ना, लेट्स गो, चल। क्या है बे, क्या कहते डेंजर, रुक जा, अब की बढ़िया। अबे ये मेरे को फिर से स्लो फॉलिंग क्यों दे दिया, मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है। चलो कोई नहीं, मिल गया तो भाई काम तो कर ही लो अपना, जब अपना जो फील की का मिल रहा है भाई उसका यूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला अपना काम हो चुका है, अभी आगे चलना है मेरे को, बस यहाँ से भी सेम सेम जंप मार के तोड़ना है इसकी बैंड का। क्या है यार, क्या है भाई, क्या गुंडा बनूंगा रे मैं। तो यहाँ से लेट्स गो, ठीक है, ठाई बन गई, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से आगे घूम के मेरे को जाना है परफेक्टली, जो यहाँ से मेरे को आई थिंक हाँ ओके पार हो गया। यू कंप्लीटेड योर कोर्स, थैंक यू सो मच, यू कंप्लीट माई कोर्स, थैंक गुड जॉब, थैंक यू सो मच भाई। तो इसी के साथ ये मैप भाई कंप्लीट कर दी तुम्हारे भाई ने, और काफ़ी कसम से काफ़ी ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग था, 100% मैं इन चीज़ों का वापस से अप्लाई करूँगा और इस वर्ल्ड में आके दो तीन बार इसको और खेलूँगा, जिससे कि ये चीज़ें मेरे लिए ना थोड़ी सी और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगी, मेरे हाथ जो मेरे कंट्रोल्स हों सब सारे एकदम परफेक्ट सेट हो जाएंगे, और ये लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल हो जाएगा। आई नो ब्रो कि मेरे को भी बहुत कुछ सीखना है, ठीक है, मेरे को माइनक्राफ्ट में बहुत कुछ सीखना है और मैं करने की पूरी कोशिश करता हूँ। इसी के साथ ये सारे के सारे बैनर भी लग गए, लास्ट बैनर लगाते अपना डॉगी का, और इसी के साथ ये स्टैचू पूरा होता है, लेट्स गो। खतरनाक ब्रो, लिटरली ब्रो खतरनाक, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूं, सबके सब हाथ जोड़ रहे हैं मुझसे भाई, हाथ मत जोड़, तुम्हारा भाई प्रो है, टेंशन मत लिया करो, ठीक है, टेंशन नहीं लेना चाहिए, ठीक है भाई। कसम से बोलो कितना प्यारा मैप, मजाक से थैंक यू फॉर हेल्पिंग आवर विलेज एंड कॉन्करिंग द ट्रायल चैम्बर। देखो यार इतनी तारीफ मत करो यार, तुम समझा करो यार, समझा करो, ठीक है। तो अभी तक वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कर देना, या चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए भाई लोग, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना यार। और आप लोगों को लग रहा होगा मैं आके ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, देखो रीज़न ये है ना, क्यों, पहली बात आज जन्माष्टमी है तो इसके लिए जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और पिछला लिटरली टाइम देखो यार एक बार, ये देखो टाइम, इस टाइम 6:09 और अंधार की धूप, लिटरली ब्रो ये मतलब जन्माष्टमी की अलग ही तरीके की रौनक हो रखी है, और ये आपको दिखाना था इसलिए मैंने एक्सरे किया, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करके बताना आपको कैसी लगी वीडियो, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।